हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्लेरिफिकेशंस करना चाहता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट की है, जिसमें मैंने SOS ट्रिक बताया है आउटपुट लाने का मैट्रिक्स प्रॉब्लम के। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि अगर ये पैटर्न प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन आती है और अगर आप ये कोड लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही कोड है, बट अगर क्या आप ये कोड लिखते हैं तो क्या इसे चीटिंग कहेंगे? ये कोड आपने लिखा, आपको ये कोड आप लिख रहे थे, इसमें कोई एरर आ था, आप नहीं कर पाए, आपने ये कोड लिखा, इससे भी आपकी यही आउटपुट आ रही है, तो क्या ये कोड चीटिंग है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसे चीटिंग कंसिडर करते हैं तो आप बिल्कुल धोखे में हैं। तो दोस्तों, क्लेरिफिकेशंस को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली बात, ये आपको मैं करने को नहीं कह रहा हूँ, ये एकदम लास्ट रिसोर्ट है, इमरजेंसी। अगर आप बिल्कुल देख रहे हैं कि आधा घंटा बचा हुआ है एंड आपके आउटपुट नहीं आ रही है और आपका आउटपुट दिखाना है एग्जामिनर को, एंड आपने सारी कोशिश कर ली है प्रोग्राम को करेक्ट करने के बट नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कोई चीटिंग नहीं है, बस आप एक डिफरेंट एल्गोरिथम, यानी आपने जो लिखा था उससे आपके आउटपुट नहीं आए, तो आपने ये कोड लिख रहा है, आप ये कोड लिख रहे हैं जिससे आपके आउटपुट आएगी, तो ये कोई चीटिंग नहीं है, ये परफेक्टली फाइन है। तीसरी बात, अगर एग्जामिनर ने देख लिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर एग्जामिनर ने देख लिया, उसे लगेगा कि आपने जो कोड लिखा है, या वो देखेगा कि आपने जो कोड लिखा है और आपकी जो एग्जीक्यूशन आउटपुट है वो अगर डिफरेंट आ रही है या आपके कॉपी में डिफरेंट कोड लिखा हुआ है, तो आपके हद से हद 2-3 नंबर जाएंगे आउटपुट के, और अगर आप देखें तो वो नंबर वैसे भी जा ही रहे थे क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे प्रोग्राम, आउटपुट तो आ ही नहीं रही थी, तभी आप ये टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो हद से हद आपके 2-3 नंबर जाएगी। ये कोई चीटिंग नहीं है, आपकी कोई पेपर कैंसिल नहीं होने वाली है, तो इस बात का बिल्कुल इत्मीनान रखें। बहुत लोगों के मन में ये डर आ गया है कि क्या ये चीटिंग है, नंबर कट जाएगी, पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं आंसर लाने के लिए, एक प्रोग्राम को करने के कई तरीके होते हैं। तो बस मैं ये कुछ क्लेरिफिकेशंस करना चाह रहा था। दोस्तों, हो सकता है कि मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड SOS टेक्निक आज रिलीज़ नहीं कर पाऊँ, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ लाइन अप किए हुए हैं। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। मैं जल्द से जल्द चाह रहा हूँ वाइवा से रिलेटेड और एल्गोरिदम से रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। आप बाकी सारे वीडियोज़ देखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।